अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। माय डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, सभी ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा टेंशन में है क्योंकि S7 एग्जाम्स आ चुके हैं। सिर्फ कुछ समय बाकी है हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा कई स्टूडेंट्स को किस तरह की तैयारी करना है, तो इसलिए वीडियो आप ही के लिए लाया हूं। आप बिल्कुल S7 से आप फ्री हो सकते हैं, आप थोड़ा माइंड सेटअप बना लेंगे तो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए तेलुगु के सभी मॉडल पेपर्स, मतलब यह है कि सभी का पेपर पैटर्न 6, 7, 8, 9, 10 का पेपर पैटर्न किस तरह आएगा मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं अपने वीडियोस, और मैथमेटिक्स का भी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। कई स्टूडेंट मुझको कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप S7 का रिवीजन अपलोड कीजिए, रिवीजन अपलोड कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही रिवीजन अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को यह भी पता चले कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह रहता है। जैसे हम जानते हैं 2019 में हुए एग्जाम्स S7, उसके बाद अभी हो रहे हैं, तो एक साल बीच में गैप आया है। तो एक साल गैप में हमको ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स फिफ्थ फोर्थ में थे वो अब सिक्स्थ में आ चुके हैं, जो फिफ्थ में थे वो लोग सेवेंथ में आ चुके हैं, और जो सेवेंथ में थे वो लोग नाइन्थ में आ चुके हैं। इस तरह एक क्लास छोड़कर आपका प्रमोशन हुआ है। तो इसीलिए मैं आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले पेपर का पैटर्न किस तरह रहता है वो मैंने अपलोड किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पेपर का रिप्रेजेंटेशन, पेपर का पैटर्न किस तरह रहता है। अब इसके बाद मैं धीरे धीरे करके आंसर्स अपलोड करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के तेलुगु के पैराग्राफ राइटिंग हो, ग्रामर हो, पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, सभी धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा। 25 नवंबर तक सारे वीडियोस रिवीजन अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर आपका साथ मेरे साथ हो तो। मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही अपलोड कर सकूं। तो आंसर्स के साथ मैं अपलोड कर रहा हूं, और मैथमेटिक्स और तेलुगु दोनों सब्जेक्ट के लिए। और कई स्टूडेंट्स उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के भी डालिए। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के मैं पेपर पैटर्न किस तरह है अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसलिए एक वीडियो था आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल S7 के टेंशन से फ्री हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए आंसर्स भी अपलोड करूंगा, और आंसर्स तेलुगु आंसर्स इजी मेथड में, और बिल्कुल आप लोग समझ कर लिखे जैसे आंसर्स, कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर, वर्बुक या गाइड के आंसर्स नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी सारा मटेरियल मैं बना चुका हूं, अब मुझको कुछ समय नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। ये वीडियो के बाद धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, आप मेरे साथ रहिए। और अगर कोई नए स्टूडेंट है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि मैं आप लोगों को बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं आंसर्स अपलोड करूंगा, ये आंसर सिर्फ S7 के लिए ही नहीं बल्कि आपको एनुअल के लिए भी काम आ जाएंगे। इससे पहले पिछली बार वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बतला चुका था कि हमारा टारगेट जो है एनुअल एग्जाम्स है, 10th क्लास, स्पेशली 10th क्लास के लिए। हम S7 के अलग क्लास, S7 का रिवीजन अलग, फिर दोबारा SA2 का, फिर प्री फाइनल का अलग अलग नहीं करेंगे। S7 के रिविजन में जो लेसन 5 लेसन या मैथमेटिक्स में जो 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, 9 चैप्टर जो आ रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहीं पर कवर कर देंगे। आगे के लेसन के लिए हम एनुअल में कवर करेंगे। तो इसलिए आपको 50% 50% या 80% 40 60% आपका पोर्शन हो जाएगा अगर आप S7 के लिए मेरे वीडियोस लगातार फॉलो करके इसके आंसर्स याद कर लेंगे। तो आपको आगे के लेसन को आपको सोचना होगा, ये लेसन को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए 2022 का टारगेट रखते ही वही सभी आंसर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 10th क्लास ही नहीं बल्कि 8th क्लास हो, 6th हो, 7th हो, 9th क्लास हो, आप लोगों को एनुअल का टारगेट करते हुए मैं आंसर्स अपलोड कर रहा हूं। अगर ये आंसर्स आप याद कर लेंगे या लिख लेंगे तो आप आगे के आंसर्स भी याद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो कुछ भी अपलोड करूंगा वो आंसर्स आप अपने नोट्स में लिख लीजिए,
कुछ डाउट है तो मुझको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं आप, और मैं धीरे धीरे आंसर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और पूरा मॉडल पेपर सिर्फ आंसर्स ही नहीं, जो पैराग्राफ होते हैं या लेटर्स होते हैं या पोएम्स होते हैं या ग्रामर होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी सभी चीजें अपलोड करूंगा। आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, और चाहे तो एक नोट्स अलग रख लीजिए आप।